और चलिए बात करेंगे मौसम के बदलते मिजाज की। पहाड़ों में भारी बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक बर्फबारी से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश में कई जगह बर्फ की सफेद चादर देखने को मिल रही है। पहाड़ इलाके में कई उड़ानें जो है इस वजह से प्रभावित भी हुई हैं। रेलवे ट्रैक पर भी बर्फ इकट्ठा होने की वजह से रेल सेवा प्रभावित हुई है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। कश्मीर, श्रीनगर, मनाली, शिमला की ये तस्वीर दिखा रहे हैं आप। इन तस्वीरों को देखेंगे तो कमोबेश एक ही तरह की तस्वीर नजर आएगी और लगेगा कि जम्मू कश्मीर का ये नज़ारा है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक अगर हम बात करें तो भारी बर्फबारी जो है देखने को मिल रही है। बारिश भी लगातार दिल्ली एनसीआर के इलाके में हो रही है जिसकी वजह से ठंड काफी बढ़ गई है। दिल्ली से हमारी सहयोगी भावना किशोर हमारे साथ है जुड़ चुकी हैं और रंजीता झा जो है वो श्रीनगर से हमारे साथ है जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले तो भावना आपका रुख करते हुए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में दो दिनों से अगर कहें कल से जो हल्की हल्की बारिश हो रही है, आज बारिश ज़्यादा हो रही है, तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है, किस तरह के मौसम के हालात? बिल्कुल नैना, बारिश लगातार हो रही है राजधानी दिल्ली में रुक रुक के। तापमान में आज कमी जरूर आई है। बताया जा रहा है कि कल तापमान में और ज्यादा गिरावट दर्ज की जाएगी। पहाड़ों पे जिस तरह से लगातार बर्फबारी हो रही है उसकी वजह से राजधानी दिल्ली और आसपास के अगर राज्यों की बात करें, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, वहां पर भी बारिश की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। आप मौसम के पास लौटेंगे लेकिन फिलहाल रंजीता का रुख कर लेते हैं। रंजीता, श्रीनगर में क्या हालात है, जरा तस्वीरें दिखाइए और बताइए। श्वेता, बिल्कुल, देखिए श्रीनगर में मौजूद हूँ मैं और पिछले एक हफ्ते से तापमान जो है उसमें तो गिरावट दर्ज हो रही थी, लेकिन कहा जा रहा है कि श्रीनगर में आज सीजन की पहली जो स्नोफॉल है वो देखने को मिल रही है। अभी भी जब हम अपने टीवी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करेंगे कि अभी भी लगातार जो बर्फ है वो गिर रहा है और टेम्परेचर जो है वो लगातार गिरता जा रहा है। जो वेदर फोरकास्ट है वो उसके मुताबिक अगर बात की जाए तो आने वाले दो दिनों में इसी तरह का मौसम रहेगा। श्रीनगर से कई जो फ्लाइटें हैं वो डिले हो गई हैं क्योंकि सुबह से ही इसी तरह से मौसम सुबह अर्ली मॉर्निंग से ही इसी तरह से मौसम जो है वो बदल। बिल्कुल, जिस तरह से पीछे आप देख सकते हैं कि मौसम का क्या मिजाज है, दो दिन से धूप देखने को नहीं मिल रही राजधानी दिल्ली और आसपास के जितने भी इलाके, और बताया जा रहा है कि अब तक 20 मिलीमीटर तक बारिश हो चुकी है पिछले 24 घंटे के दौरान राजधानी दिल्ली में। वही तापमान जो है न्यूनतम आज 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि अभी मौसम इसी तरह से बना रहेगा, कल मंगलवार को भी तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरेगा, यानी कि 6 डिग्री के आसपास फिर से एक बार जो पारा है वो लुढ़क सकता है। इस वक्त राजधानी दिल्ली में ठंडी हवाओं की वजह से बहुत ज्यादा लोगों को समस्या हो रही है। फिलहाल इंडिया गेट की तस्वीर आप देख सकते हैं कि आपको हम दिखाना चाहेंगे कि लोग घूमने वाले जो सैलानी है वो तो आते ही दिल्ली में, लेकिन फिलहाल जिस तरह से ठंड देखने को मिल रही है बारिश की वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान है और मौसम विभाग भी साफ कह रहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक, 2 से 3 दिनों तक स्थिति इसी तरह से रहेगी। लिहाजा हम देख सकते हैं कि कल जो है बारिश रुक जाए और तस्वीरें थोड़ी सी साफ हो जाए। दिल्ली में एक बार फिर से ठंड ने जबरदस्त दस्तक दी है क्योंकि बीच में हमने देखा था कि दिल्ली वालों को गर्मी का एहसास होने लगा था, मिली थी, लेकिन एक बार फिर से ठंड ने दस्तक दे दी है, कमबैक कह सकते हैं इसको। भावना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।